पति पत्नी के पवित्र रिश्तों को कलंकित करते हुए एक पत्नी ने अपने प्रेमी के संग मिलकर पति की सोते समय गला दबाकर हत्या कर दी और घटना को बदमाशों द्वारा हत्या किए जाने की बात बताते हुए पुलिस को गुमराह करने की कोशिश भी की। फतेहपुर जिले की खागा कोतवाली क्षेत्र के ठाकुर दीन का पुरवा गांव में रहने वाले सुरेंद्र यादव की शादी 4 वर्ष पूर्व निधि यादव के साथ हुई थी, जिसके बाद से पति पत्नी के बीच अक्सर तनाव रहता था। इसके चलते पति गुजरात चला गया और जब एक सप्ताह पूर्व गांव आया तो दोनों परिवार वाले मिलकर मृतक युवक की पत्नी को मायके से ससुराल विदा कराकर अपने घर ले आया। तभी पत्नी ने अपने प्रेमी के संग मिलकर पति की हत्या का कुचक्र रचते हुए पति की गला दबाकर हत्या कर दिया और पुलिस को बदमाशों द्वारा हत्या किए जाने की बात बताकर गुमराह कर दिया। वहीं जब आज पुलिस ने हत्या का खुलासा करते हुए बताया कि मृतक युवक की पत्नी निधि अपने प्रेमी सर्वेश के साथ मिलकर अपने पति का गला दबाकर हत्या कर दिया था, जिसका आज खुलासा कर लिया गया है। मृतक की पत्नी का कल्याणपुर के रहने वाले सर्वेश से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसके चलते इसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की ही हत्या कर घटना को दूसरा रूप देने की कोशिश की थी, जिन्हें बाद में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। में एक हत्या हुई थी जिसमें घर के अंदर पति पत्नी सोए हुए थे और पत्नी के अनुसार 3 लोग घुस आए थे घर में और उसको बांध दिया था और पति की हत्या कर दी थी। इस संबंध में विवेचना से ये बात स्पष्ट हो गई है कि हत्या पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर की है। ये प्रेमी इसका थाना कल्याणपुर क्षेत्र का रहने वाला है और शादी से पहले से ही इससे आना जाना और संबंध था, उसी के चलते ये हत्या की गई है। थैंक यू।